Assalamu alaikum. Today we will continue our conversation on the story of Hazrat Fatima with Dr. Sania Snain Khan. तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर साहब, पिछला सेशन ऑन द स्टोरी ऑफ हज़रत फ़ातिमा लोगों ने बहुत पसंद किया था और हमने कहानी को वहाँ पर छोड़ा था जब आपने बताया था कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का निकाह हो जाता है और हमने उस उनकी निकाह से फिर हमने लेसन्स ड्रॉ करे थे. तो अब कहानी को आज आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा डोमेस्टिक लाइफ के बारे में. सो वी नो दैट द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ हज़रत अली एंड हज़रत फ़ातिमा सर्व्स एज अ मॉडल फॉर पाइटी एंड फैमिली लाइफ इन इस्लामिक ट्रेडिशन. तो डॉक्टर साहब, थोड़ा फैमिली लाइफ के बारे में हमें बताएं. इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. जैसा आपने कहा कि पिछले एपिसोड में शादी तक हमने बातचीत की थी, तो हज़रत अली का जो घर था वो थोड़ा फासले पे था, प्रॉफिट के घर के बिल्कुल पास में नहीं था. और ये जो रसूलुल्लाह सल्लम के घर थे, वैसे अभी मैं दिखाता हूँ कुछ के वो बिल्कुल मस्जिद से मिले हुए थे. तो अगर आप जाएंगे मदीना और मस्जिद नबवी, तो आप देखेंगे कि जो कब्र है, प्रॉफिट की ग्रेव है, उसके पास उससे लेफ़्ट साइड पे छोटे छोटे घर थे. वो दरअसल प्रॉफिट की फैमिली के लिए थे वो घर. और अगर मदीना में एक म्यूज़ियम है प्रॉफिट की लाइफ के ऊपर, उसमें काफ़ी अच्छा वो आर्टिस्टिक इम्प्रेशन से उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं, जिससे पता चलता है कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी. तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये इस तरह का कुछ था मस्जिद, और उसके पास में ये छोटे छोटे घर थे. ये प्रॉफिट के फैमिली के लिए घर थे, और बिल्कुल ही सादा, जैसे एक हट के अंदाज की. तो ये ओरिजिनल सूरत थी जब रसूलुल्लाह सल्लम ने वहाँ मस्जिद बनाई. तो ये जो रसूलुल्लाह का घर था, वो असल में एक सहाबी थे, उनका नाम था हज़रत हारिसा इब्न नौमान, जो कि मदीना के ही थे, अंसारी थे वो. उन्होंने वेलकम किया था हज़रत अयूब अंसारी, और इन दोनों ने मिल के वेलकम किया था प्रॉफिट का, बहुत अच्छा वेलकम. और इनकी लैंड थी मस्जिद के पास, तो जब भी ज़रूरत होती थी तो ये प्रॉफिट को अपनी लैंड दे दिया करते थे कि आप घर बना लें इसमें. जब भी ज़रूरत होती थी तो वो गिफ्ट कर देते थे कोई भी. तो जब हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की शादी हुई, तो वो कहीं दूर जा के रहने लगे पास में. अब रसूलुल्लाह सल्लम को अच्छा नहीं लगता था कि हर बार उन्होंने ऑलरेडी बहुत ही दिया हुआ है. तो एक दिन हारिसा इब्न नौमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्रॉफिट से कहा कि डू यू मिस योर डॉटर, आर यू मिसिंग योर डॉटर, कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा. तो रसूलुल्लाह ने कहा हाँ. तो उन्होंने कहा कि आप घर बना लीजिए यहाँ, मैं आपको ज़मीन देता हूँ. तो रसूलुल्लाह ने कहा यू हैव ऑलरेडी गिवन अस सो मच, अच्छा नहीं लगता कि मैं और मांगूँ. तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि यानी आई स्वेयर टू गॉड द लैंड विच यू हैव इज़ मोर प्रेशियस टू मी द लैंड विच आई हैव. यानी आप मुझसे लैंड लेते जाइए, मैं आपको देते जाऊँगा. आपकी जो ज़मीन है वो ज़्यादा महबूब है मेरे लिए बनिस्बत मेरी अपनी ज़मीन के. तो रसूलुल्लाह ने खैर एक्सेप्ट किया, और उन्होंने एक लैंड दी जो बिल्कुल प्रॉफिट के घर के सामने थी, बिल्कुल पास. तो वहाँ पर हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के लिए घर बनाया.
यानी इसमें एक सबक भी है कि इंसान समझता है कि खुदा की राह में जो खर्च करे वो उसको उतना अहमियत नहीं देता, हालांकि जो उसने खर्च किया है अल्लाह की राह में वो ज़्यादा अहम है बनिस्बत उसकी उसकी दौलत के मुकाबले में। तो खैर वो रसूलल्लाह ने फिर दुआ की उनके लिए कि मैं अल्लाह गिव यू ए पैलेस इन पैराडाइज़। तो इस तरह से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर वहाँ बिल्कुल रसूलल्लाह के घर के सामने ही बन गया। यानी जो वो घर ऐसे होते थे जैसे मैंने अभी दिखाया कि इट वाज जस्ट ए रूम, एक कमरा था बस, और वो भी बहुत ही सिंपल, यानी दीवारें भी ऐसी कच्ची होती थी और जो छत होती थी वो जो खजूर पाम ट्री की जो पत्तियाँ जब जो सूख जाती हैं तो उसकी कुछ तरीके से छत बनाते थे। तो बिल्कुल सादा सी वो होता था घर, इट्स लाइक ए हट। तो उसका जो एक ही दरवाज़ा होता था और एक ही खिड़की होती थी। तो प्रॉफिट की जो खिड़की थी घर की और हज़रत फ़ातिमा के दरवाज़ा घर की खिड़की बिल्कुल आमने सामने थी, यानी घर में सिर्फ बातें कर सकते थे। तो इस तरीके की सूरत हाल थी। और डॉक्टर साहब, मैं पिक्चर देख के भी कितना हैरान हो रहा था कि कितना मॉडेस्ट और सिंपलिस्टिक लेवल ऑफ हाउस होल्ड रहा होगा। बल्कि ये भी कहा जाता है कि दे आर डिस्पाइट देयर मॉडेस्ट मीन्स दे आर वेरी जेनरस एंड दे वुड वेलकम द गेस्ट विद वॉर्म्थ। डॉक्टर साहब, अगला सवाल पूछने से पहले एक एक रिवायत का जिक्र करना चाहूँगा जो हज़रत अबू हुरेरा से है। ही सेड कि प्रॉफिट ने एक मर्तबा कहा कि डू नॉट सेट आउट ऑन अ जर्नी अंटिल यू विजिट दिस थ्री मॉस्क। और उन्होंने बताया मस्जिद अल हरम, मस्जिद अल अक्सा और मस्जिद नबवी। तो मस्जिद नबवी से मेरा सवाल है, जैसा कि हम जानते हैं कि 622 AD में प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको बनाया ऑन हिज अराइवल टू मदीना। एंड इट हैज़ ह्यूज स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस डॉक्टर साहब। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट होलीएस्ट मॉस्क आफ्टर मस्जिद अल हरम। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा उसके ओरिजिन के बारे में, और क्योंकि ओवर दी सेंचुरीज वो रेनोवेट होता रहा, एक्सपैंड होता रहा, तो उसके बारे में आप हम सबको बताएं। ज़रूर, ये तो मैंने दिखाया ही था अभी कि ये ओरिजिनल जो सूरत हाल थी तकरीबन ऐसी थी, और इसका जो साइज़ था वो 35 मीटर बाई 30 मीटर, यानी वो बहुत बड़ी भी नहीं थी, आप समझे 35 मीटर बाई 30 मीटर्स ये इसका साइज़ था तकरीबन। और ये प्रॉफिट के घर थे, ये मस्जिद का हिस्सा है। इसमें एक और चीज़ देखें कि ये आगे एक ये छप्पर सा है, यहाँ नमाज होती थी और यहाँ प्रॉफिट खुतबा देते थे, और पीछे भी एक है यहाँ थोड़ा सा शेडेड एरिया छप्पर, वो असाबु सुफ़ा के लिए था, वो यहाँ रहते थे असाबु सुफ़ा जो होमलेस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह। और जब क़िबला बदल दिया गया, जब क़िबला जेरूसलम के तरफ था तो तब ये सूरत हाल थी, और जब क़िबला वापस मक्का की तरफ हो गया तो बिल्कुल ऑपोज़िट हो गया। तो ये जो ये छप्पर यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये पीछे आ गया और ये छोटा वाला इधर आ गया, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये तो बिल्कुल ही ओरिजिनल जो सूरत हाल ऐसी रही होगी कुछ। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्ह के ज़माने में एक एक्सपेंशन हुआ, उन्होंने थोड़ा उसको बढ़ाया, और ख़ास तौर से जो उस ज़माने की टेक्निक थी, जो कुछ ब्रिक वगैरह भी बनने लगी थी उसका इस्तेमाल किया, और स्टोन के पिलर्स बनाए, और थोड़ा सा लेकिन वो भी बहुत ही रूडिमेंट्री अंदाज़ की रही होगी। फिर उसके बाद जो उमैयद डायनेस्टी थी उसमें कुछ इस तरह की सूरत थी जो कैलिफ अल वलीद ने बनवाई थी। तो थोड़ी सी ये मस्जिद की शक्ल सी बन गई, और कुछ इसमें ये भी हो गए पिलर्स वगैरह क्या कहेंगे। तो फिर इसके बाद और जो डायनेस्टीज़ थी उन्होंने जैसे अब्बासी एरा में कुछ ऐसी सूरत थी कैलिफ अल महदी के ज़माने की, उन्होंने और थोड़ा सा उसको एक्सपेंड किया और छत वगैरह ठीक की उस ज़माने के लिहाज से, जो आर्किटेक्चर था बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर उसको फॉलो किया।
तो कुछ ऐसी सूरत हाल थी। और फिर जब ऑटोमन एम्पायर का वक्त आया, चूँकि ऑटोमन एम्पायर भी सऊदी अरब में थी उस वक्त उनका, तो उस वक्त जो सुल्तान सुलेमान, जिनको द मैग्निफिसेंट कहा जाता है, यानी बहुत ही बड़े मेमार थे वो, आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ये और थोड़ा एक्सपेंड किया। और जो ग्रीन डोम है, इसमें आप ग्रीन डोम देख रहे हैं, जी जी थोड़ा ब्लैक है लेकिन ग्रीन डोम जो अभी भी है वो उन्होंने ही बनवाया था, और काफ़ी कुछ और एक्सपेंड किया, और उसकी काफ़ी यानी सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई। फिर इसके बाद इसके बाद फिर सऊदी एरा शुरू हो गया। 20th सेंचुरी में सऊदी किंग अब्दुल अजीज़ के ज़माने में फिर एक्सपेंशन शुरू हो गए, और फिर उसके बाद ये 1950s का एक्सपेंशन है। उसके बाद 1980s और 90s में फिर बहुत एक्सपेंशन हुआ, और वो तो यानी चलते ही रहा है, कोई कभी रुकता नहीं। काबे का भी यही हाल है, हरम का भी, और अब ये, अब तो ये बहुत ही बड़ा हो गया है। जो जो इस वक्त ये सूरत हाल है, जो ओरिजिनल मस्जिद है वो इतनी रह गई है, ये आप देख सकते हैं कई गुना, यानी बहुत ही बड़ा। तो अब ये रिसेंट सूरत है। और अगर कोई जाए मस्जिद नबी में या काबा हरम में, तो बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, लोग समझते नहीं हैं, चूँकि वहाँ कोई लिखा नहीं है, वो लोग लिखते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है, ये वो एरिया है जिसको रोज़ा कहते हैं, या रोज़तुल जन्ना, जहाँ पर रसूल नमाज़ पढ़ाते थे, और यहीं पर मिंबर था जिस पे वो खुतबा देते थे। तो ये वो जगह है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ओरिजिनल जगह है, और यहाँ पर कई सारे पिलर्स हैं, 8 पिलर्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना कुछ पिलर्स, ऐसे ऐसे ये 8 पिलर्स हैं, ये बड़े इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। इसको उस्तवाना कहा जाता है। तो एक एक का नाम है उस्तवाना सैयदा आयशा, वो इस वजह से है कि वो एक जगह थी जहाँ मुहाजरीन बैठते थे, तो लेकिन वो गायब हो गई थी, गुम हो गई थी लोग, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि ये वो जगह थी, तो उनके नाम से पड़ गया। ऐसे ही एक है उस्तवाना तौबा, एक सहाबी थे, उन्होंने कुछ तौबा की थी वहाँ पर, तो वो नाम पड़ गया। ऐसे ही एक है पिलर जिसका नाम था उस्तवाना अल सरीर, सरीर यानी बेड, रसूलल्लाह वहाँ रेस्ट किया करते थे कभी कभी। ऐसे ही एक एक पिलर है, उसका नाम है हज़रत अली के नाम से, चूँकि हज़रत अली बैठते थे। ऐसे ही एक पिलर है, उसका नाम है वफूद, उस्तवाना अल वफूद, यानी डेलीगेशंस जो बाहर से आते थे वो रसूलल्लाह वहाँ पर उनसे बातचीत करते थे। ऐसे ही एक है मकाम जिब्रील, उस्तवाना मकाम जिब्रील, यहाँ से जिब्रील मस्जिद में एंटर करते थे। तो और एक है तहज्जुद, यहाँ रसूलल्लाह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। ऐसे 8 पिलर्स हैं। तो जो लोग जाएँ वहाँ, तो वो उनको चाहिए कि थोड़ा सा पढ़ के जाएँ, बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हकीकत हज पढ़ के जाएँ, चूँकि उसमें मौलाना ने एक तो हज की हकीकत क्या है वो बताई है, और काफ़ी तारीख़ी चीज़ें भी उसके अंदर हैं। तो बहुत ही उमदा किताब है, अगर वो पढ़ें या और कोई चीज़ पढ़ के जाएँ। और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ख़ुद मस्जिद के अंदर और पूरे मदीना में और मक्का में भी यही हाल है, वहाँ विज़िट करें तो बड़ी कैफियत बदलती है, क्योंकि वो मकामात हैं जहाँ रसूल सल्लम आए, सहाबा गए, तो वो बड़ी एक दिली कैफियत बदल जाती है वहाँ जाके। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग अस थ्रू द ट्रांजिशन। आई मीन इट्स रियली अमेजिंग। ये जो डॉक्टर साहब 8 पिलर्स भी हैं, एग्जैक्ट लोकेशन हैं जहाँ पर ये सिम्बलाइज करते हैं, या उसको सिम्बॉलिकली? नहीं, एग्जैक्ट पिलर, एग्जैक्ट लोकेशन है। जी जी, माशाल्लाह, उसी वक्त से है ये। जी 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 डॉक्टर साहब, क्लियरली आई मीन इट्स नॉट जस्ट अ सिम्बल ऑफ इस्लामिक हेरिटेज, बट ऑल्सो अ सिम्बल ऑफ हिस्टोरिसिटी एंड द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस दैट इट होल्ड्स। एंड ऑल्सो डॉक्टर साहब, आई थिंक द मॉस्क इज़ अ टेस्टमेंट टू द लेगेसी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड हाउ इस्लाम स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Doctor, there is a touching incident which has also been documented in various hadith and historical accounts about Hazrat Fatima going to her father, Prophet Muhammad, and asking for a household servant. So, I would like to tell you about that. Yes,
ये असल में एक बहुत ही अच्छा वाक़या है और बड़ा सबक है, जैसे आपने कहा टचिंग इंसिडेंट है। और ये हज़रत अली की ही हदीस है, उन्होंने बहुत लंबी हदीस में ये वाक़या बयान किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि जब व्हेन वी गॉट मैरिड विद द प्रॉफिट गेव फातिमा फ्यू थिंग्स, यानी अ वेलवेट गारमेंट, अ लेदर पिलो जिसको स्टफ़ किया था, रसूलल्लाह ने ख़ुद बनाई थी पिलो वो, और उसमें कुछ सूखी पत्तियां वगैरह, कुछ हर्ब्स वगैरह भरी थी, स्टफ्ड विद पाम फाइबर, और 2 मिलस्टोन चक्की, और एक वाटर स्किन, और एंड 2 अर्दन जार्स। तो दिस वॉज़ द ओनली पोजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स डॉटर। आप तस्वूर कर सकते हैं कि यानी बेसिक नेसेसिटी, बेयर मिनिमम। तो हज़रत अली कहते हैं कि मैं पानी लाया करता था कुएं से। उस ज़माने में वो मशक होती थी एक, उसमें पानी आता था वो चमड़े की। तो वो कहते हैं कि मैं पानी लाया करता था कुएं से तो मेरे चेस्ट में पेन होने लगा। हज़रत फातिमा से कहा, तो कहा उन्होंने कि तुम जाओ, और मैंने सुना है कि कुछ सर्वेंट्स आए हैं तुम्हारे फादर के पास, और एक सर्वेंट हमारे लिए भी ले आओ, जी वो थोड़ा हमें हेल्प कर हो जाएगी हमारे लिए। तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी कहा कि हाँ, मैं भी चक्की पीसती हूँ, मेरे हाथों में ब्लिस्टर्स पड़ गए हैं और छाले पड़ गए हैं। तो हज़रत फातिमा गई एक दिन प्रॉफिट के पास, तो प्रॉफिट ने कहा कि मेरी बेटी तुम कैसे आई, व्हाट हैज़ ब्रॉट यू हेयर? तो उन्होंने कहा, बस मैं सलाम करने आई थी आपसे। उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि पूछें, कहें कि आप हमें एक सर्वेंट दे दें, तो वापस आ गई बिना कहे हुए। तो हज़रत अली ने पूछा कि क्या हुआ, तुम वापस आ गई, कि क्या कहा प्रॉफिट ने? उन्होंने कहा, आई वॉज़ टू शाई टू आस्क द प्रॉफिट दैट वी नीड अ सर्वेंट। तो उन्होंने कहा, अच्छा हम दोनों चलेंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फातिमा दोनों गए, और रसूलल्लाह से कहा कि मेरे चेस्ट में पेन होने लगा है, मैं पानी लेके आता हूँ कुएँ से निकाल के। और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मेरे हाथ में ब्लिस्टर्स पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं, चक्की पीसती हूँ मैं। तो हमने सुना है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही सर्वेंट्स दिए हैं, तो एक सर्वेंट हमें भी दे दें ताकि हमारा घर का जो काम है वो आसान हो जाए। तो रसूलल्लाह ने कहा कि बाई अल्लाह, आई विल नॉट गिव यू अ सर्वेंट एंड लीव द पीपल ऑफ सुफा एम्प्टी हैंडेड, क्योंकि ही वॉन्टेड टू रिहेबिलिटेट द पीपल ऑफ सुफा, द होमलेस पीपल। उनके ना घर था, ना फैमिली थी, यहाँ तक कि उनके पास कपड़े भी नहीं होते थे इतने कि पूरी तरह से ढक सकें। तो रसूलल्लाह की पहली प्रायोरिटी वो थी, और बदर के ऑर्फन्स और असाबु सुफा के लोग, जो होमलेस लोग थे। असल में खैबर के ज़माने में ये वाक़या हुआ था, वहाँ से प्रॉफिट रिसीव्ड वेरी बिग वेल्थ, अनप्रेसिडेंटेड वेल्थ ही रिसीव्ड। तो वो सब उनकी वो उसके इस वाक़े के बाद हज़रत अली ने ये सोचा होगा कि अब रसूलल्लाह के पास बहुत वेल्थ है, कुछ हम ले लें उनसे। तो रसूलल्लाह ने कुछ नहीं दिया और वापस चले आए दोनों, ना कोई पैसे दिया ना कोई आदमी दिया। तो रात के वक्त प्रॉफिट आए, फिर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने घर पर नॉक किया। तो सो रहे थे हज़रत अली और हज़रत फातिमा, लेटे हुए थे, तो उठ के जल्दी जल्दी अपने घर पर ठीक करने लगे। तो रसूलल्लाह ने कहा, नहीं ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं। तो प्रॉफिट आए, बैठ गए और कहा कि जिब्रील आए थे मेरे पास और उन्होंने ये बताया है, कहा है कि तुम फातिमा से कहो कि जब वो नमाज़ पढ़ें तो नमाज के बाद 10 बार सुभान अल्लाह कहें और 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें और 10 बार अल्लाह अकबर कहें, और जब सोने जाएं तो 33 टाइम्स सुभान अल्लाह कहें और 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह कहें और 34 टाइम्स अल्लाह अकबर कहें। तो हज़रत अली कहते हैं, उसी रवायत में है कि सारी ज़िंदगी में कोई दिन मैंने मिस नहीं किया कि मैंने ये तीन जो वर्ड्स हैं,
इसको नमाज में और रात को सोने से पहले नहीं किया. यानी दिस शोज द एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रॉफिट. ही डिडंट गिव एनीथिंग टू हिज डॉटर एंड इट्स अ वेरी बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. बिल्कुल डॉक्टर साहब. और ये डॉक्टर साहब ये भी लेसन है, ह्यूमिलिटी, कंटेंटमेंट एंड रिलायंस ऑन गॉड इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मटेरियल पोजेशन. चूँकि हमारे लिए नमूना है जी. अगर रसूलल्लाह सारी वेल्थ दे देते और सारे दसियों खादिम दे देते तो फिर नमूना कहाँ से बनता हमारे लिए. तो एक ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अल्लाह ताला ने ये एक रहमत की है उम्मत के ऊपर कि ऐसे नमूने हमारे हमें दिए हैं कि जिनको हम देख के इंस्पायर हो सकें, फॉलो कर सकें. तो डॉक्टर साहब इसी से अगला सवाल भी निकलता है कि तस्बीह फातिमा, उसके बारे में भी आप हम सबको बताएं डॉक्टर साहब, थोड़ा एलाबरेट करें. हाँ, ये जो रसूलल्लाह सल्लम ने बताया 33 बार का, वो 33 बार और 34 बार, ये तस्बीह फातिमा के नाम से मशहूर हो गई है. और लोग समझते हैं कि तस्बीह को गिनना, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये यानी कुछ करते रहें और ये ऐसे गिनते रहें, ये नहीं है तस्बीह फातिमा. तस्बीह फातिमा तो देखिए, जो ये 3 वर्ड्स हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर, अगर यही बहुत ही डीप मीनिंग है इसके अंदर. यानी सुभान अल्लाह का मतलब है ग्लोरी बी टू अल्लाह. यानी इट्स अ वे ऑफ एक्नॉलेजिंग द परफेक्शन एंड ग्रेटनेस ऑफ गॉड. यानी जब आप कोई चीज़ देखते हैं, नेचर की कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आती है तो आप सुभान अल्लाह कहते हैं. यानी कितना परफेक्ट है हमारा क्रिएटर कि उसने ये चीज़ बनाई. ये एक एहसास, और ये कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ आप देखते हैं नेचर में या कोई भी, तो आपके मुंह से निकलता है. यानी अल्लाह की जो कुदरत है, जो क्रिएटिव पावर है, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसका एतराफ़ है. ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है थैंक यू अल्लाह. यानी थैंक यू अल्लाह फॉर एवरीथिंग, बोथ इन गुड टाइम्स एंड इन टेस्ट्स एंड ट्रायल्स. ये थैंक यू अल्लाह इन डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑल्सो, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला इससे भी मुश्किल हालात पैदा कर सकता था. तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे हम कहते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको भी यानी बहुत ही गहरा ये वर्ड है. ये एम्फेसाइज करता है कि जो सारा प्रेज और सारा हमद, सारा शुक्र अल्लाह के लिए है. और सूरह अल फातिहा भी आगाज़ उसी से होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. तो और अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट. यानी देर इज़ नो पावर ग्रेटर देन अल्लाह. सो वी शुड एंट्रस्ट आवर ऑल अफेयर्स टू अल्लाह. यानी कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, तो अल्लाह के खाने में डालें, जैसे मौलाना कहते थे. और अल्लाह अकबर मौलाना की किताब भी है, बहुत ही अच्छी किताब, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है गॉड्स ग्लोरी. उसमें यही सारी बातें हैं, लिविंग इन गॉड्स ग्लोरी. तो मौलाना का कहना था कि ये एक शऊरी तकरार है. यानी आप सोच के अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह कर, ना कि गफलत में अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह कर रहे हैं और पता नहीं क्या कह रहे हैं, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं. तो ये बहुत ही अहम चीज़ है. ऐसी मौलाना कहते थे कि यानी ये एक ज़िक्र है. ज़िक्र का मतलब मौलाना ने हमेशा हमेशा कहा है कि खुदा को दरियाफ्त करना, उसकी अजमत को दरियाफ्त करना. मौलाना कहते थे कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ज़िक्र करना, खुदा की याद पॉइंट ऑफ रेफरेंस है. ख़ुद इंसान का वजूद बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, कैसे वो बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे हमारा दिल धड़क रहा है, पूरे जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के कैसे चल रहे हैं इतने परफेक्ट अंदाज में बिना किसी आवाज़ के. तो ये सारी चीज़ें जब भी इंसान देखता है, कोई भी ऐसी चीज़ सोचता है, तो उसके लिए हमद के और प्रेस के और शुक्र के जज्बात उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं. ऐसे मौलाना ने एक मज़मून लिखा था, बहुत अच्छा मज़मून था, और तस्बीह फातिमा के ऊपर था. और उसका जो उनवान था, हेडिंग थी, वो तस्बीह ख़वातीन. और लिखा था कि ये जो तस्बीह है, तस्बीह फातिमा, ये उम्मत के तमाम ख्वातीन के लिए
एक बहुत ही कीमती तोहफा रसूल ने दिया, यानी एक बहुत ही कीमती तोहफा है। मौलाना ने लिखा था कि ये इसको तस्बीह ख्वातीन कहना चाहिए, क्योंकि जो लेडीज़ हैं उनको अक्सर टाइम मिल जाता है घर में, तो फिर वो बस बातें इधर उधर की करती हैं, कोई ख़ास कोई डिस्कशन ऐसा नहीं, बस इधर उधर की बातों में चिट चैट और पार्टी वार्टी जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उससे बचने का बहुत अच्छा ज़रिया है कि तस्बीह फ़ातिमा यानी तस्बीह में अपना वक्त लगाएं, खुदा की याद में अपना वक्त लगाएं। तो ये यानी रेपिटेशन ऑफ वर्ड का मामला नहीं है, बल्कि ये एक एक दरियाफ्त का मामला है, शऊरी दरियाफ्त, जिसको मौलाना ने मारिफत पे इतना जोर दिया है कि ये रियलाइजेशन का कलिमा है, ना कि कुछ रेपिटेशन का कलिमा। डॉक्टर साहब, ये बहुत मैं कहूँगा कि ये बहुत अहम बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा मौलाना इसको एम्फसाइज करते थे। जैसे आपने कहा कि इट इज़ नॉट जस्ट मेयर रेपिटेशन बट टू थिंक अबाउट गॉड। जैसे डॉक्टर साहब, चैप्टर 2 ऑफ द कुरान में आया भी है कि सो यू रिमेंबर मी एंड आई विल रिमेंबर यू। तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि आई विल रिमेंबर यू, विच इज़ अ बिग होप फॉर ऑल ऑफ अस। एंड डॉक्टर साहब, आज के ज़माने में भी अगर हम देखें, मतलब रिचुअलिस्टिक तो हो ही गया है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट वेज टू गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी बाय इधर गोइंग इन टू हॉलीडेज और स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी और गेटिंग इन टू एंटरटेनमेंट। तो उसी में ये रिमेम्बरेंस है ही, उसमें इतनी अनइक्विवोकल टर्म्स में कुरान सेज इन चैप्टर 13 दैट श्योरली इन दी रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड हार्ट्स फाइंड कम्फर्ट। तो आपने वो जो अभी बात बताई कि हर चीज़ में पॉइंट ऑफ रेफरेंस को ढूंढना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि दैट ओनली ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गॉड। तो रिमेम्बरेंस के यही सिर्फ सही अपने मायने हैं। जहन को एक्टिवेट करना है, वो चीज़ें हर तरफ है, ये पानी का गिलास भी है, ये टेबल भी है, ये चेयर भी है, ये माइक भी है, लाइट भी है, हर चीज़ जिसके अंदर आपको ग़िज़ा मिलती है खुदा को याद करने की। लेकिन एक अनअवेयर इंसान है, वो समझता है कि ये तो गिलास है, ये हम ख़रीद के लाएँ, ये माइक है, ये तो हम वहाँ से लाएँ। यानी हर चीज़ अल्लाह की अता करदा है, अल्लाह का गिफ्ट है कोई भी चीज़। जब आप इस तरह से सोच सोचेंगे कि ये कारपेट भी अल्लाह ने दी है, ये लाइट भी अल्लाह ने दी है, तब आपके अंदर बड़े गहरे जज्बात खुदा के लिए पैदा होंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये टेस्टेड है एकदम। कभी भी आप जैसे लो फीलिंग है, इफ़ यू रीड सम हदीस, यू रीड सम पेजेस ऑफ कुरान, सडनली आपको एक सुकून मिल जाता है। तो वही एक तरीके से सही मायने में इट्स अ ट्रू वे टू रिमेम्बर और गॉड। मौलाना ने वो वाक्य जो सुनाया था, संजय बाबू ने दिया है, हाँ हाँ जी, वो बड़ा ज़बरदस्त संजय है, बाबू की देन है। संजय बाबू की देन है। हाँ हाँ, हर जी चीज़ के लिए वो कह रहा है संजय बाबू की देन है, जी 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 क्योंकि संजय गांधी ने उसके कुछ हेल्प की थी, वो कुछ बन गया था एमएलए वगैरह, जी तो वो जब गए थे मिलने के लिए जो साहब, तो वो चर्चा करता रहा। तो यही चीज़ हर मोमिन के लिए कि वो चर्चा करता रहे अल्लाह का, बिल्कुल कि ये अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह का अतिया है, अल्लाह का गिफ्ट है। जी तो यही यही वो इस तस्बीह फ़ातिमा जी जज़ाकअल्लाह का डॉक्टर असल साहब, में। बहुत बहुत अच्छे से आपने इसको वाज़े किया। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि कुछ आप इंटरेस्टिंग कुछ एपिसोड्स उनकी ज़िंदगी से बताएं, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी से। तो इफ़ यू कैन शेयर सम, थ्रो सम लाइट ऑन टू इट। हाँ, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था जी इनका। हज़रत अली चूँकि शायर भी थे, ही वॉज़ ए पोएट, सो ही जी यूज़ टू राइट फ़नी पोएम्स फॉर फ़ातिमा जस्ट टू मेक हर हैप्पी है। और काफ़ी यानी दिस वॉज़ ए हाउस ऑफ लाफ्टर, काफ़ी हंसते थे। तो लेकिन कभी लड़ाई भी हो जाती थी। एक बार बड़ा डिसएग्रीमेंट हो गया और हज़रत अली घर से बाहर चले गए और जाके मस्जिद में सो गए। तो अगले दिन प्रॉफिट आए घर में, तो फातिमा वॉज़ अपसेट, तो उनको लगा प्रॉफिट को कुछ गड़बड़ है, पूछा क्या बात है, कहा कि हमारी लड़ाई हो गई थी और अली चले गए बाहर सोने मस्जिद के अंदर। तो प्रॉफिट गए मस्जिद में, देखा कि एक कॉर्नर पे हज़रत अली सो रहे हैं और उनकी जो शर्ट थी वो उतर गई है, ऊपर का गारमेंट,
और चूंकि वो उस ज़माने में, जैसे मैंने अभी फ़ोटो दिखाया, मिट्टी का सारा फर्श होता था उस वक्त, ना कारपेट थी ना कोई मार्बल के फ्लोर्स थे, सिर्फ मिट्टी थी। तो वो सारी मिट्टी धूल बैग में चिपक गई थी। तो रसूलुल्लाह बैठ गए और वो सब मिट्टी छुड़ाने लगे उनकी बैग से और बोले कि कुम या अबा तुराब, के गेट अप सिट अप ओ फादर ऑफ डर्ट। अबू तुराब यानी फादर ऑफ डर्ट। तो वो बड़ा मशहूर निकनेम बन गया हज़रत अली का, अबू तुराब। तो फिर हज़रत अली उठ गए, बैठ गए और दोनों हंसने लगे बहुत। फिर वो मामला ठीक हो गया और वापस चले गए घर। ऐसे ही जब पहला बच्चा पैदा हुआ हज़रत अली के यहाँ, तो उन्होंने नाम रखा हर्ब। हर्ब का मतलब होता है वॉर। असल में वो ज़माना था कि सब लड़ते फिरते थे, हर वक्त लड़ाई होती रहती थी। वो ट्राइबल कल्चर था और क्लोज्ड सोसाइटी थी, तो लड़ना भिड़ना उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नाम रखा बच्चे का हर्ब यानी वॉर। तो रसूल आए, उन्होंने कहा नहीं भाई, ये हर्ब नहीं होगा नाम, इस बच्चे का नाम होगा हसन। हसन का मतलब है गुडनेस या एक्सीलेंस। तो एक साल के बाद तकरीबन दूसरा बच्चा पैदा हुआ, फिर हज़रत अली ने हर्ब रख दिया नाम उसका, वॉर। तो फिर प्रॉफिट को पता चला, प्रॉफिट ने कहा नहीं, हर्ब नहीं होगा, इसका नाम रखते हैं हम हुसैन। हुसैन का मतलब है लिटिल हसन, इसको तसग़ीर कहते हैं, किसी वर्ड को, किसी नाम को छोटा करना। हमारे यहाँ भी होता है, जैसे बेटी को बिटिया कहते हैं प्यार से, ऐसी हसन का हुसैन रसूलुल्लाह ने बना दिया, यानी अनदर सोर्स ऑफ गुडनेस। तो जो हसन और हुसैन थे, जब एक दो साल के थे, तो जो सबसे इनका महबूब मशगला था वो ये था कि वो रसूलुल्लाह सल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे तो रसूलुल्लाह के बैक पे आके दे यूज़ टू जंप ऑन द बैक ऑफ द प्रॉफिट वाइल ही वॉज इन सजदा, और रसूलुल्लाह अपना सजदा प्रोलॉन्ग कर देते थे ताकि और ज़रा वो अपना जो उनका शौक़ है वो पूरा करें। और एक वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि प्रॉफिट खुतबा दे रहे थे मस्जिद में, मस्जिद घर के बराबर में ही थी, ही वॉज़ ऑन द पल्पिट गिविंग सर्मन। तो ये दोनों दौड़ते हुए आए, हसन और हुसैन छोटे छोटे, दो दो साल के। तो प्रॉफिट ने देखा तो ही केम डाउन फ्रॉम द पल्पिट, नीचे आ गए और बैठ गए और हसन और हुसैन को अपने लैप पे बैठा लिया दोनों, आप तसव्वुर करें, और फिर खुतबा देना शुरू कर दिया। यानी ही बोथ ऑफ देम सिटिंग ऑन प्रॉफिट्स लैप एंड द प्रॉफिट इज़ गिविंग खुतबा। यानी किस कदर उनको मोहब्बत थी बच्चों से, ये भी एक ह्यूमन टच। यानी प्रॉफिट भी इंसान थे, तो इसमें भी हमारे लिए एक पहलू है कि हम ये ना समझें कि रसूलुल्लाह सल्लम कोई डिवाइन वो दें एट्रीब्यूट, बल्कि वो भी इंसान थे, सारी वो चीज़ें उनके साथ भी थी। ऐसे ही एक और वाकया है कि सर्दी का ज़माना था, विंटर थी, तो एक बहुत ही बड़ा क्लोक, एक जुब्बा पहन रखा था रसूलुल्लाह ने, बहुत ही बड़ा जुब्बा। तो ये दोनों फिर दौड़ते हुए आए हसन और हुसैन प्रॉफिट के पास, और प्रॉफिट ज़मीन पे बैठ गए और उन दोनों को अपने जुब्बा में ले लिया, क्लोक के अंदर ले लिया। और फिर फातिमा ने देखा, फातिमा आई, उनके लिए भी प्रॉफिट एक्सटेंडेड हिज क्लोक फॉर हर, वो भी उसमें जुब्बे में आ गई। फिर अली आए, उनको भी ले लिया। तो चारों को प्रॉफिट ने, वो भी बड़ा तसव्वुर करें, बड़ा अजीब मंजर रहा होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लम ने उनके लिए दुआ की। तो इस तरह के कुछ वाक़यात मिलते हैं हमें इनकी लाइफ से। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब, जजाक अल्लाह। डॉक्टर साहब, आखिरी दो सवाल लेने से पहले कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। ये कमेंट भेजा है डॉक्टर असलम खान साहब ने सहारनपुर से। उन्होंने लिखा है, हज़रत फातिमा वॉज सुप्रीमली विजडमफुल एंड बिलावड डॉटर ऑफ रसूलुल्लाह। डॉक्टर सानी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ हज़रत फातिमा वेरी नाइसली। सैयद हसीब शाह नकवी साहब ने पाकिस्तान से लिखा है, सैयदा फातिमा अल जहरा हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इस्लाम। शी इज़ द लीडर ऑफ वुमेन इन दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर।
टुडे सेकेंड पार्ट इन विच द बायोग्राफी ऑफ हजरत फातिमा इज नरेटेड बाय डॉक्टर साहेब हु इज वेरी नॉलेजेबल एंड एग्जेम्पलरी। डॉक्टर जुनेद शेख ने मुंबई से लिखा है, माशाल्लाह वेरी इंस्पायरिंग एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर, जजाकल्ला डॉक्टर साहब। मिस फरीदा कामरान ने पाकिस्तान से लिखा है, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच इस्लामिक पर्सनैलिटी स्टोरीज विच आर अमेजिंग। वी शुड शेयर दीज एग्जाम्पल्स अमंग आर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, फैमिली मेम्बर्स टू मेक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद इस्लाम। मे अल्लाह एक्सेप्ट दिस टीचिंग फ्रॉम CPS टीम एंड गिव ग्रेट रिवॉर्ड्स। प्रोफेसर नजमा सिद्दीकी ने दिल्ली से लिखा है, द डिस्कशन बिकेम मोर मीनिंगफुल विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, वेरी नाइस हिस्टोरिकल डिस्कशन, मेकिंग थिंग्स सो क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। बेयर मिनिमल थिंग्स वर गिवन बाय द प्रॉफिट टू हर डॉटर, बट वी आर हैविंग सच एन ईजी लाइफ, ग्रेट लर्निंग ऑफ ग्रेट विजडम। स्पिरिट ऑफ इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से लिखा है, इंस्पायरिंग स्टोरीज नरेटेड इन अ वेरी सिंपल वे वेयर वी कैन ऑल रिलेट टू आर लाइव्स एंड ड्रॉ लर्निंग्स। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल फॉर द वंडरफुल वर्क। डॉक्टर साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट यू नो द लास्ट फेज ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ, हिज फाइनल मोमेंट्स एंड हिज सब्सिक्वेंट लीविंग ऑफ यू नो दिस वर्ल्ड, उसके बारे में भी आप कुछ बताएं हम सबको। ज़रूर, असल में आखिरी ज़माने की बातें हैं ये। एक बार प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लम कहीं सफ़र पे थे तो वापस आए, तो जैसा आपको पता है कि जब भी वापस आते थे तो सबसे पहले नमाज पढ़ते थे मस्जिद में और फिर सीधे फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आते थे। और यही चीज़ थी, जब कहीं सफ़र पे जाते थे तो आखिरी चीज़ ये थी कि वो नमाज़ पढ़ते थे और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ जाते थे। यही उनका एक मामूल था, उसके बाद अपने घर जाते थे। तो इस बार आए तो सीधे नमाज पढ़ी और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर आए तो बैठे तो फातिमा रोने लगी। तो पूछा कि वाई यू आर क्राइंग माई डॉटर, तो फातिमा बोली कि यू लुक पेल, योर क्लोथ्स आर सो शैबी एंड यू आर नॉट ईटिंग। यानी जो हेल्थ की डिटोरिएशन थी उसकी वजह से बड़ा कंसर्न। और आपको पता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ के बाद फातिमा रसूलुल्लाह को देखभाल करती थी, इसीलिए उनका नाम पड़ गया था उम्म अबीहा, मदर ऑफ हर फादर। ये एक निकनेम बहुत यूनिक अनयूजुअल सा, तो उनको बड़ा वो था, ख्याल था रसूलुल्लाह का। तो उन्होंने कहा कि आपकी हालत ये देख के मैं रो रही हूँ कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह ने बड़े हिस्टोरिकल अल्फाज में कुछ बातें कही और कहा कि मैंने उनको थोड़ा सा कंफर्ट किया, ये कंफर्टेड हर, और बोली कि डोंट क्राई माई डॉटर, बिकॉज अल्लाह हैज सेंट योर फादर विद अ मिशन एंड अल्लाह विल कॉज हिज वर्ड रीच एवरी सिंगल हाउस ऑन दिस प्लैनेट। यही वो जुमला है जो हम लोगों को मोटिवेट करता है दावत के लिए, कि अल्लाह ताला का वादा है रसूलुल्लाह की तरफ से कि जो दावती काम हम लोग करेंगे या जो लोग भी करते हैं वो इंशाल्लाह लोगों तक पहुँचेगा। तो ये आखिरी ज़माने की बातें हैं। फिर बहुत ही बीमार हो गए रसूलुल्लाह सल्लम और फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ रहने लगे। आखिरी जो डेज़ हैं, लास्ट डेज़, वो हज़रत आयशा के घर में थे। तो एक बहुत बड़ी हदीस है जिसमें हज़रत आयशा ने बताया है कि बहुत ही फीवर हो गया, फीवर उतर ही नहीं रहा था, ही वॉज स्वेटिंग और ही वॉज बर्निंग विद फीवर, बहुत ही तकलीफ़ में, पेन में, यानी ये हालत हो गई, कभी बेहोश हो जाते, कभी होश में आ जाते, तो और बेड रिडन हो गए। तो एक दिन फातिमा आई देखने के लिए। तो हमेशा आपको याद है कि जब भी फातिमा आती थी रसूलुल्लाह के पास तो चाहे बहुत से लोग भी बैठे हुए हों, गैदरिंग हो, कोई मीटिंग हो, तो वो उठ जाते थे और फातिमा को जाके हाथ पकड़ के लाते थे और अपनी सीट पे बैठाते थे। ही वुड लेट हर सिट
वेयर ही वॉज सीटेड। ये अरबों का मिजाज है, अभी भी अगर आप जाएँ तो वो कहेंगे कि आप हमारी कुर्सी पर बैठिए। ऑफिस में भी जाएँ तो ऐसा कभी कभी करते हैं अरब हजरात। तो लेकिन अब तो उठ भी नहीं सकते थे, तो थोड़ा सा यूँ उठने की कोशिश की, बस इतना ही किया, और बोले कि मरहबन बी इब्नती, वेलकम टू माई ब्यूटिफुल डॉटर। तो फिर हाथ से इशारा किया, ऐसे कि बुलाया, और कुछ कान में विस्पर किया, तो वो रोने लगी। शी स्टार्टेड क्राइंग हैवीली। तो देखा कि रो रही है, तो फिर बुलाया दोबारा, तो फिर कुछ कान में विस्पर किया, देन शी बर्स्ट इनटू लाफ्टर। तो जो लोग थे वहाँ, उनके लिए बड़ा अजीब होगा कि इस मौके पे हंस रही हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि भाई क्या कहा था तुमसे ये कान में, कि जो तुम रोने लगी फिर हंसने लगी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बताऊँगी नहीं। लेकिन बाद में बताया कि पहली बार कहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा इस बीमारी, ये मेरी आखिरी बीमारी है। और दूसरी बार कहा था कि यू विल बी द फर्स्ट टू मीट मी। तो मुझे हंसी आ गई, मैं खुश हो गई कि रसूलुल्लाह के साथ जल्दी मिलूंगी मैं। तो ये फिर हज़रत आयशा के साथ, जैसे मैंने बताया कि थे, तो एक दिन बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई, और रसूलुल्लाह की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई, और रसूलुल्लाह ने हाथ उठाया आसमान की तरफ, ऐसे इला रफ़ीक़िल आला, के आई चूज़ द कंपेनियनशिप ऑफ़ द मोस्ट हाई। और फिर ये कह के उंगली गिर गई, हाथ गिर गया, और उनकी रूह निकल गई। और उस वक्त हज़रत आयशा मौजूद थी, तो उनकी आवाज़, चीख निकल गई उनकी, शी स्क्रीम्ड। तो वहाँ पर सबसे पहले जिसने सुना वो हज़रत फ़ातिमा ही थी, पास में बिल्कुल घर था। तो उन्होंने जो अल्फाज बोले, वो किताबों में आता है, बहुत ही शी स्पोक ब्यूटीफुल वर्ड्स, कि या अबता अजाब रब्बन दआहू, ओ माई डियर फादर, यू हैव एक्सेप्टेड द कॉल ऑफ योर लॉर्ड। यानी हाउ क्लोज यू आर नाउ फ्रॉम योर लॉर्ड। और फिर बोली कि या अबता इला जिबरील ननआ, ओ माई डियर फादर, ओ माई डियर फादर, वी अनाउंस द न्यूज़ ऑफ योर डेथ टू जिबरील। या अबता जन्नतुल फिरदौस मावा, ओ माई डियर फादर, जन्नतुल फिरदौस इज़ नाउ योर अबोड। तो ये अल्फाज थे हज़रत फातिमा के, जब रसूलुल्लाह की सांस निकली। लेकिन हज़रत अली बिल्कुल, ही वॉज़ स्टंड, यानी एक लफ्ज़ नहीं बोल सके। ही वॉज़ ए पोएट, ही वॉज़ ए राइटर, ही वॉज़ ए सो एलोक्वेंट पर्सन, बट ही डिडन्ट स्पीक वन वर्ड। और साहबा का भी ये हाल हुआ, सारे साहबा बिल्कुल खामोश हो गए, कुछ बोल नहीं सके। और जब बरी किया रसूल सल्लम को, तो हज़रत अनस की रवायत है कि जब हमने बरी किया, तो फातिमा ने हमसे पूछा कि हाउ यू कुड पुट द डर्ट ऑन द फेस ऑफ माई फादर, हाउ यू ब्रॉट दिस करेज टू पुट डर्ट ऑन माई फादर्स फेस। तो वो तो कुछ बोल नहीं सके, लेकिन स्कॉलर्स का कहना है कि वो ये कहना चाहते थे कि हमने अपने दिल को मार दिया, यानी वी बिकेम रोबोट, तभी हम ये कर सके। तो बहुत ही यानी साहबा के लिए और फैमिली के लिए बहुत ही संगीन दिन था वो। अल्लाह ताला सबकी मगफरत फरमाए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल लेने से पहले ये दो कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा।
ये फ़हीम उमर साहब ने मलेशिया से भेजा है। डॉक्टर साहब वेरी वेल, डॉक्टर साहब द नॉलेज दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड इज़ वंडरफुल। मिस कुरुतुलेन ने श्रीनगर से लिखा है, ब्यूटिफुल एंड मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड हिज डॉटर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन नरेटेड इन अ मोस्ट हम्बल वे। द रिमार्क ऑफ डॉक्टर साहब दैट प्रॉफिट मोहम्मद सिंपल एंड मॉडेस्ट वे कन्वेड दैट ही इज़ नॉट अ सुपर मैन, अ रिमाइंडर टू ऑल दोज हु आर हेल बेंड टू प्रूव दैट ही वॉज सुपर नेचुरल रादर देन द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग टू बी अ रोल मॉडल फॉर ऑल टाइम्स टू कम। डॉक्टर साहब इसी तरह आखिरी सवाल भी मेरा यही है कि जो कंक्लूडिंग लाइफ थी हज़रत फातिमा की एंड द ग्रीफ दैट ओवरटुक हज़रत अली ऑन हर पासिंग अवे, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप बताएं और आज हम सेशन को उसी पर ख़त्म करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लम की डेथ के बाद ही हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार सी रहने लगी, हालांकि उनकी एज मेरा ख्याल है 29 थी या 30 इसी के आसपास, और ये रमज़ान का महीना था, पहला रमज़ान प्रॉफिट की डेथ के बाद, तो काफ़ी बीमार थी। तो वो रात को निकली अपने घर से बाहर कोर्टयार्ड में और आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई, और हज़रत अस्मा बिन तुमैस रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो तदफीन हो, बरियल हो, वो रात को हो ताकि कम लोग आए, कम लोग देख सकें। ये मॉडेस्टी उनकी थी, यानी शी वांटेड ए मॉडेस्ट पार्टी। तो हज़रत अस्मा बिन तुमैस एक कपड़ा लाई जो कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हबशा से लाई थी, हबशा यानी इथोपिया जब ये लोग माइग्रेट करके गए थे तो वहाँ से एक कपड़ा लाई थी, जो बहुत अच्छा खासा थिक कपड़ा था। वो तो हज़रत फातिमा ने कहा था कि एक मेरे लिए बड़ा कपड़ा लाओ, तो उसी के मुताबिक वो कपड़ा ढूंढ के लाई। तो हज़रत फातिमा ने उसको देखा, छुआ और कहा कि या इट्स गुड, तो उन्होंने पसंद किया उसको। तो वो और फिर उसके बाद जो फैमिली के लोग थे, हज़रत अली वहाँ थे और फैमिली के लोग उनसे बातें की, और हज़रत अली से कहा कि मेरी डेथ के बाद तुम उमामा से शादी करना। उमामा जो प्रॉफिट की बड़ी बेटी थी, ज़ैनब उनकी बेटी थी, तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि यू मैरी उमामा बिकॉज शी इज़ अ वेरी लविंग एंड मदरली वुमन, शी विल टेक गुड केयर ऑफ द किड्स। तो और बाद में हज़रत अली ने ऐसे ही किया, तो फिर हज़रत फातिमा ने शी एम्ब्रेस्ड द फैमिली मेम्बर्स एंड लुक एट द हेवेंस and the angel came and took away her soul. So, wahi baat hui Rasulullah sallam ki, you will be the first one after me. Yani Rasulullah ke baad inki death hui. To Hazrat Ali ke liye bahut bada shock tha, kyunki abhi prophet ki death hui 5-6 mahine pehle, ab unki jo mehboob biwi thi Fatima raziyallahu anha unki death ho gayi, aur Hazrat Ali ne hi janaze ki namaz padhai. और बहुत ही पेनफुल सूरत हाल थी, तो उन्होंने एक पोएम लिखी उसी वक्त, एंड ही रिसाइटेड दैट पोएम नियर द ग्रेव ऑफ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये इस तरह थी। अच्छा, वो पोएम में ये है कि पहले तो अपनी बात कहते हैं, फिर वो फातिमा की तरफ से भी बोलते हैं, पहले कुछ पूछते हैं फिर जवाब भी खुद ही देते हैं। तो बहुत ही यूनिक पोएम है, वेरी पेनफुल एंड इमोशनल। कहते हैं कि माली वक़फ तो अलकबूरी मुसलिमा, के व्हाट्स रॉन्ग विद मी स्टैंडिंग एट द ग्रेव साइड सेइंग सलाम टू द वन हु पास्ड।
फिर कहते हैं कब्र अल हबीबी फलम यरुद्दु जवाबी, कि द ग्रेव ऑफ माई बिलवड वन बट शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई ग्रीटिंग। फिर कहते हैं कि हबीबु मा लक्की ला तरुद्दु जवाबिना, माई बिलवड वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई सलाम। फिर कहते हैं कि अनसी तो बादा खिल्लती अहबाबी, हैव यू फॉरगॉटन ऑल द मोमेंट्स दैट वी शेयर टुगेदर। और फिर जवाब देते हैं, अभी तो सवाल किया उन्होंने, फिर ख़ुद ही जवाब देते हैं जैसे कि हज़रत आयशा हज़रत फ़ातिमा की तरफ से। तो कहते हैं काल अल हबीबु व कैफा ली बे जवाबिकुम, माय बिलवड वन रिस्पोंडेड एंड सेड हाउ कैन आई रिस्पोंड टू यू, व अना रहीनु जनादिलिन व तुराबी, आई हैव बीन कंज्यूम्ड बाय द स्टोन एंड द डर्ट। फिर इस मौके पे हज़रत अली बहुत रोते हैं, ही क्राइड अ लॉट। फिर कहते हैं अगेन ही रिस्पॉन्ड्स फ्रॉम फातिमा साइड, अकलत तुराबु महासिनी फनसीतुकुम, द डर्ट हैज़ कंज्यूम्ड माई ब्यूटी एंड दैट्स वाई आई हैव मूव्ड ऑन। और आखिरी शेर जो है वो है फ़अलैकुम मिन्नी सलाम तकत्तअत मिन्नी व मिनकुम खिल्लत अल अहबाबी, शी रिस्पॉन्डेड बैक सेइंग सो माई सलाम्स बैक टू यू एंड टू अदर्स लाइक फैमिली मेम्बर्स दोज आई हैव लेफ्ट बिहाइंड, दीज इंटीमेट मोमेंट्स हैव नाउ पास्ड। तो ये बड़ी पेनफुल दुआ पोएम थी जो हज़रत अली ने कही। और ये जो स्टोरी है हज़रत फातिमा की, ये बहुत ही इट्स इनक्रेडिबल स्टोरी एंड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। पूरी लाइफ अगर हम देखें हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की, बचपन से यानी बहुत ही परेशानी में गुजरी है। जब बिल्कुल छोटी थी उस वक्त बॉयकॉट हुआ, एंड शी लिव्ड इन दी बॉयकॉट, वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। और जो वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लम को सताया जाता था, जैसे आपको याद है कि काबा में किस तरह से जो वो लोग थे ओपोनेंट्स, उन्होंने किस तरह से सताया, तकलीफ़ दी, और हज़रत फातिमा दौड़ी और बचाया रसूलुल्लाह को। और तायफ का मामला भी उसी दौरान, और सारे जो डिफ़िकल्ट हालात थे वो यानी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कभी कोई खुशहाली नहीं देखी, सिर्फ बहुत ही तंगी, खाने को नहीं होता था और बहुत ही तंग हालात में। यानी सबसे बड़ी बात है कि इस मुश्किल हालात में रसूलुल्लाह का साथ दिया, पूरी जो फैमिली है रसूलुल्लाह की, इसीलिए इसकी बहुत ही यानी इनके दर्जात हैं कि इन्होंने हर हाल में रसूलुल्लाह का साथ दिया, क्योंकि वो मिशन का साथ दिया। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और हम सब को भी मे अल्लाह गिव अपॉर्चुनिटी सो दैट वी कुड सी देम एंड मीट देम, मे अल्लाह गिव देम जन्नतुल फिरदौस अल आला। डॉक्टर साहब, वेरी टचिंग सेशन इंडीड, एंड हज़रत फातिमाज़ लेगेसी लाइफ विल कंटिन्यू टू इंस्पायर मुस्लिम्स थ्रू आउट। एंड डॉक्टर साहब, सच सेशंस आल्सो यू नो सर्व एज द पर्पस ऑफ स्ट्रेंथनिंग आर कनेक्शन विद गॉड ऑलमाइटी। तो आप ऐसे सेशंस करते रहें डॉक्टर साहब, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। वी विल एंड टुडे सेशन, बट बिफोर दैट डॉक्टर साहब, देर इज़ एन लॉन्च। We are very happy to announce the launch of an app which with the name Timeless Wisdom, and the team has forwarded me some of the key highlights which I just wanted to share with you. This is basically an app which is a summary of Maulana Wahiduddin Khan Sahab's work. So people these days have you know less reading habits, so these apps basically carries quotes of Maulana Wahiduddin Khan Sahab, which captures the entire essence of his articles, his videos, which you can just you know sort of go through in a short span and understand it.
देर आर 39 कैटेगरीज एंड दे हैव बीन गिवन नेम ऑफ दोज कैटेगरीज एंड ईच कोर्ट ऑल्सो डॉक्टर साहब द टीम हैज मेड हैज गिवन अ सोर्स ऑफ द बुक. तो अगर आप उस सोर्स पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द बुक वेयर यू कैन डाउनलोड द बुक फॉर योर रीडिंग इन योर फ्री टाइम. देर आर मोर देन 8,000 कोर्ट्स इन दिस ऐप एंड देर इज वन कैटेगरी कुरानिक विजडम which has 300 more than 300 paras from the Tazkirul Quran, the English and Urdu commentary of Maulana Sahib, and captures beautifully the essence that is there in the commentaries. Plus there is one very beautiful section, Know Your God, and there are Quranic verses where God introduces himself. So there are all those verses have been added in that category. And there is also an option that you can share with the background of your own choice. So if you want to share certain quotes in your circle, family circle, you can change the background. It allows you to do that and you can easily easily do that. There is also a section that has been added, which is a diary section, jisme Maulana sahab ki jo diaries mein se jo articles hai, that will be added into that section. And there is of course a Ask Maulana section where the questions from Spirit of Islam and the CPS website have been added into that particular section. So it will keep on getting upgraded, updated time to time, and you can download it right away. The name of the app is Timeless Wisdom, and I'll request Dr. Sanistain Khan Saab to launch the app. माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया. ये जो टाइमलेस विजडम कोट्स का ऐप है ये बहुत ही उमदा ऐप है. मैंने भी देखा है, मैंने डाउनलोड किया है इसको. और मौलाना की वैसे राइटिंग जो है वो कोट्स के लिए बहुत ही उमदा है. बहुत ही छोटे वर्ड्स, बहुत ही छोटे सेंटेंसेस और एक मीनिंग का दरिया. और आप देखेंगे कि अलरिसाला में सबसे पहले कोट ही होता है. बिल्कुल. और चूँकि लोग कोट पढ़ते हैं और अब तो बहुत ही ज़्यादा, चूँकि वक्त कम है जो सोशल मीडिया का वो है, तो कोट्स बहुत चलते हैं. तो बहुत ही उमदा ये आइडिया है और ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में है जी. तो इसलिए बहुत अच्छा है. और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, चूँकि अब ऐप का ही ज़माना है. लोग अब ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और वो कभी भी उसको देखते हैं, खोलते हैं, शेयर करते हैं. बहुत उमदा ये इनिशिएटिव है. अल्लाह ताला जजाय खैर दे जिन लोगों ने इसमें काम किया और जिन लोगों ने इसमें ताउन किया. अल्लाह ताला उनको जजाय खैर अता फरमाए. थैंक यू डॉक्टर साहब. सो वी विल एंड द सेशन नाउ. थैंक यू.